तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस नाउ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, 8th पास और 10th पास के लिए एक सुनहरा मौका है आपकी, जो कि आर्मी के फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सब बताएंगे इसकी, आपकी डेट क्या रहने वाली है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, आपकी एज क्या रहने वाली है, और आपकी हाइट वगैरह क्या रहने वाली है, और आपका क्वालिफिकेशन जो प्रोसेस होता है भर्ती का वो क्या रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है और सबसे पहले जो कि अपडेट्स मिल जाते हैं, तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बात कर लें कि आपकी पोस्ट नेम, जो कि आपकी आर्मी कंटीन के फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपके कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, सेल्समैन और सफाई वाला, मतलब हाउसकीपिंग की बात कर ले तो आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। ये आपकी पोस्ट जो कि ऑफलाइन मोड थ्रू या ऑनलाइन मोड थ्रू के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके ऑफलाइन मोड जो कि फॉर्म लग रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके फॉर्म कैसे लगेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आपकी सैलरी जो कि 9,000 से जो कि 34,000 के बीच रहने वाली है। तो यहाँ पर आपके बिल्कुल फ्री फॉर्म जो कि अप्लाई हो रहे हैं, ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी फीस नहीं रहने वाली है जनरल ओबीसी की और एससी एसटी वालों की। तो यहाँ पे बात कर लूँ आर्मी कंटीन की, जो कि एज लिमिट वो क्या रहती है, तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं 18 साल से लेकर अगर आपकी 40 इयर्स के बीच में एज है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपकी 1 अप्रैल 2000 के पीछे पीछे आपकी जो कि एज कैलकुलेट की जाएगी। तो एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर एससी एसटी वालों को ये 3 साल की, ओबीसी वालों को 3 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो उसके बाद मैं आपको बात कर लूँ आपका जो कि सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले तो इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद आपकी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, तो उसके बाद आपका जो कि एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर उसके लास्ट बाद आपकी जो कि मेरिट लिस्ट जो कि देखने को मिल जाएगी। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आज से लगना स्टार्ट हो चुके हैं, उसके बाद आपकी लास्ट डेट की बात की जाए तो 25 अप्रैल 2021 आपकी जो कि लास्ट डेट है वो रहने वाली है। और एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट वो आपकी जब ऑनलाइन फॉर्म लगना बंद हो जाएगी उसके बाद आपको पूरी अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो यही थी जो कि मैंने बताया कि आपके जो कि ऑनलाइन फॉर्म है वो लगने वाले हैं, और इसकी नोटिफिकेशन भी मैं आपको रियल नोटिफिकेशन बता देता हूं। तो यहां पे आपकी जो कि आर्मी कंटीन 2021 की जो कि भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो कंटीन का नाम दिया हुआ है, गंगोत्री कंटीन दिया है दोस्तों, ये देहरादून में है। तो यहाँ पे आप, अगर आपने अकाउंटेंट की है तो आपको बी कॉम का जो कि 5 ईयर वाला एक्सपीरियंस है वो लगेगा, और ये आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर वाला डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल के लिए। क्लर्क की बात की जाए तो आपको सिर्फ 12th पास और थोड़ी सी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, और सेल्समैन और सफाई वाला के लिए आप 10th पास और 8th पास अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था रियल नोटिफिकेशन, लेकिन आपको ये सब डॉक्यूमेंट प्रोसेस वगैरह आपका जो कि देहरादून ये वाली कंटीन में ही होगा, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर और कोई भी नोटिफिकेशन भर्ती के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो हमारे चैनल पे मिलती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।